प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृतम अन्य महत्वपूर्ण क्रम संयोजन हमारे जो चल रहे हैं उसी क्रम में आज हम देखेंगे हमारा अगला जो क्रम संयोजन है पिछले का आंसर। ये हमारा क्रम संयोजन जो है कल हमने जो आपको दिया था उसका आंसर है, उसका सही क्रम है। देखिए एक बार फिर इनका सही क्रम में जचाना है तो ये जचे हुए हैं आपके सामने। देखिए, एकदा लक्ष्मीधर भोज राजस्य सभा में गच्छति, सबसे पहले वाक्य आएगा ये कि एक बार लक्ष्मीधर जो है भोज राजा के सभा में जाता है। अब सभा में जाता है तो आगे क्या होता है ये बाद में होगा। राजा भोज, क्योंकि वो भोजराज की सभा में गया था तो राजा भोज मंत्रिणम लक्ष्मीधरस्य आवास व्यवस्थाए आदिश्यति। और राजा भोज जो है मंत्री को लक्ष्मीधर की रहने की व्यवस्था के लिए आदिश्यति, आदेश करता है। ठीक है, वो उसके सभा में गया, उसके बाद उसने उसके रहने की व्यवस्था करवाई राजा ने। भोजराज लक्ष्मीधर से वाक चातुर्येण प्रसन्न भवति, और वो उसकी रहने की व्यवस्था करवाई। उसके बाद क्योंकि वो राजा भोज जो था वो लक्ष्मीधर जो एक कवि था उसकी वाणी की चतुरता के कारण से क्या था, प्रसन्न होता था। तो आगे क्या हुआ, भोजराज नगरपालम काव्य प्रतिभाहीन जने नगरात निष्कास्य लक्ष्मीधर से वाचितुम आदिश्यति। अब राजा भोज कहता है कि भाई ये तो जो लक्ष्मीधर है उसकी अभी तो कुछ यहाँ व्यवस्था हमने कर दी है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढो नगर में कि जो काव्य प्रतिभाहीन हो, यानी जो काव्य को नहीं जानता हो, उस व्यक्ति को घर से निकाल दो, उस व्यक्ति को नगर से निकाल करके और लक्ष्मीधर की वहाँ पर रहने की व्यवस्था करो। तो यहाँ पर वही बात कही है कि भोजराज नगरपालम, राजा भोज नगरपाल को, नगरपाल जो सैनिक वगैरह होते हैं, काव्य प्रतिभाहीन व्यक्ति को जन्म, व्यक्ति को नगरात निष्कास्य है नगर से निकाल करके लक्ष्मीधरम वासितुम लक्ष्मीधर के रहने के लिए आदिश्यति आदेश देता है। आगे कहता है नगरपाल नगरे इतस्ततः भ्रमन्ति, और नगरपाल जो है नगर में इधर उधर घूमता है, इतस्ततः इधर उधर घूमता है उस काव्य प्रतिभाहीन व्यक्ति को ढूंढने के लिए। नगरपाल नगरे कम अपि निरक्षरम मूर्खम वा न अपश्यत, और नगरपाल ने शहर में नगर में कोई भी निरक्षर अथवा मूर्ख नहीं देखा। तंतुवायन जीविकाम अर्जति, इसमें और एक दर्जी जो है अपने सिलाई के कार्य से जीविका को यापन करता है। और वस्तुतः तंतुवाय अपि कवि आसीत, लेकिन वो उसको समझता है कि ये शायद क्या होगा, सिलाई का कार्य करता है तो ये काव्य प्रतिभा से हीन होगा, लेकिन वो भी क्या था, वास्तविक रूप में तंतुवाय अपि कवि आसीत, तंतुवाय भी जो है वो क्या था, कवि था। ठीक है, आगे देखिए, इसके दो वाक्य और है अभी, ये देखिए अगला वाक्य है, तंतुवाय महाकवि तुल्य न आसीत, कवि जरूर था लेकिन वह महाकवि के समान नहीं था। तो राजा भोज ने तंतुवायस्य अपि, तंतुवाय का भी दर्जी का भी सम्मानम करोति, सम्मान किया करता है। ठीक है, अगला जो हमारा कर्म रहित वाक्य है, इनको आपको कर्म संयोजित करना है तो उसके लिए बहुत बार पढ़ी हुई कहानी है आपकी प्यासे कौवे की, कि एक कौवा जो होता है वो प्यासा होता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वन में इधर उधर घूमता है तो उसे कहीं पानी नज़र नहीं आता। अंत में उसे एक घड़ा दिखाई देता है और उस घड़े में जाकर जब वो देखता है तो उसमें पानी की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। तो वो उस घड़े में फिर अपनी बुद्धि के कारण उस घड़े में कंकर आदि डाल करके पानी को ऊपर लेके आता है। कंकर जब नीचे डलने शुरू हो जाते तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो वो अपनी चोंच से अपनी प्यास बुझा करके वापस प्रसन्नता से लौट जाता है। तो ये प्यासे कव्य की बुद्धि चातुरता की कहानी आपने पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में या किसी न किसी स्टेज पर आपने ज़रूर पढ़ी होगी, उसी का अंश आपके सामने दिया हुआ। सबसे मूल बात है
कि जो भी क्रम संयोजन करें तो उस घटना को दिमाग में लाएं आप। अगर कहानी पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हुई है तो उसको एक बार पूरा कहानी के अनुसार उसको सेट करें, पहले क्या हो सकता है और उसके बाद में क्या हो सकता है। तो ये आसान है, देखिए क्रम रहित वाक्य हैं यानी इनको क्रम सहित करना है आपको। तो पहला वाक्य इसने दे रखा है क्रम रहित, स दूरे एकम घटम अपश्यत तत्र च अगच्छत। स यानी उसने, दूरे यानी दूरी पर, एक कम घटम एक घड़े को अपश्यत देखा, तत्र च अगच्छत और वहाँ गया। ठीक है, एक काके पिपासित आसीत, एक कौवा पिपासित आसीत प्यासा था, एक कौवा कैसा था, प्यासा था। दूसरा अगला वाक्य दिया है स घटस्य ऊपरी, ऊपरी शब्द के योग में बेटा षष्ठी आती है, आप सबको पता है ऊपरी ऊपरी या ऊपरी जो शब्द है इसके ऊपरी ऊपरी द्वितीय आती है, ऊपरी जो शब्द है उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है कि घड़े के ऊपर अतिष्ठत, स घटस्य ऊपरी अतिष्ठत, वह घड़े के ऊपर बैठा। ठीक है, घड़े घटे जलम अल्पम आसीत, और घड़े में जल जो है वो कैसा था, कम था, अल्पम यानी कम था। जल पीत्वा संतुष्ट अभवत, और जल पी करके वह क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। तेन एक है उपाय चिंतित, उसने एक उपाय सोचा, पाषाण खंडानी च आनी तानी, और उसने एक उपाय सोचा और सोच करके उसने क्या किया, पत्थर के टुकड़े आनी तानी वहाँ से लेके आया। ठीक है, इधर उधर से लेके आया, ये मान लीजिए आनी तानी। फिर है तानी पाषाण खंडानी घटे ऐच्छिपत, और उन पत्थर के टुकड़ों को घड़े में ऐच्छिपत गिराए या डाले। घटस्य जलम ऊपरी, घड़े का जल ऊपर आगतवान, ऊपर आया, तो इसीलिए अंत में वाक्य आया है तेन विचारितम यद, उसने विचार किया कि उद्मेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि परिश्रम के द्वारा, उसने विचार किया कि परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं। और अंत में उसने काके आकाशे उड्डीय निर्गच्छति, और कौवा आकाश में उड़ करके निर्गच्छति चला जाता है, निकल जाता है। तो बेटा ये आपका क्रम रहित वाक्य है, इसको आज आपको करके देखना है, कल इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।